तो दोस्तों आपके सामने है ये बाइक, और इस बाइक का नाम है GPX डेमोन ZR200R। तो सबसे पहले बताते हैं आपको इसके बारे में, बहुत लोग नाम नहीं भी जानते होंगे क्योंकि इंडिया में ये लॉन्च होने वाली है जल्दी ही। तो GPX जो है ये मेनली थाईलैंड की कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है थाईलैंड में। और ये जो कंपनी है वो मेनली प्रोड्यूस करती है, फ्रेम वर्क पे काम करती है, बॉडी वर्क पे काम करती है, और इसकी जो इंजन है वो बन के आती है चाइना से। तो बताते हैं इसके बारे में डिटेल जो कोई नहीं बताया होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बताते हैं इस बाइक के बारे में पूरा डिटेल, हर एक चीज़। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं अगर इंजन की, तो सबसे पहला चीज़ आता है इंजन, तो 198 सीसी की लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 2-वाल्व SOHC सिंगल सिलेंडर इंजन आती है। पावर की बात करते हैं तो 19 bhp की पावर है, टॉर्क है 17.2 Nm की, और इंडिया में लॉन्च होगी BS6 वेरिएंट के साथ। इसमें लगा है GPS फ्यूल इंजेक्शन, जो कंपनी की अपनी फ्यूल इंजेक्शन होगी, और डुअल चैनल ABS के साथ आती है। नंबर ऑफ गियर है 6। अगर बात करते हैं सस्पेंशन की, फ्रंट सस्पेंशन की, तो अपसाइड डाउन ट्रॉक सस्पेंशन मिलता है, रियर सस्पेंशन 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोसॉक सस्पेंशन मिलता है। अगर बात करते हैं वेट की, तो वेट है गाड़ी का 150 kg, मतलब 150 kg, और टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर की। कंपनी एवरेज क्लेम करती है 35-40 किलोमीटर पर लीटर, और टॉप स्पीड है 145 km/h। अगर बात करते हैं 0-100, तो 0-100 कंपनी क्लेम करती है लेस देन 11 सेकेंड, और इंडिया के मार्केट में ये लॉन्च होने वाली है 1.80 लाख, मतलब 1,80,000 एक्सपेक्ट किया गया है कि इस ये प्राइस रहेगा एक्सरूम प्राइस इंडिया में। और आपको बता दें दोस्तों कि ये जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छी लुक के साथ एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की कर रहा है इंडिया में। और इसकी कलर वेरिएंट के बारे में दिखाते हैं आपको, तो इसमें एक कलर आता है ये रेड, और रेड कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक कलर आता है ये ग्रे, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक कलर आता है ब्लैक, ये है ब्लैक कलर जैसा कि देख रहे हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छा है, और ये है इसकी हेडलाइट, ऊपर में मिलता है DRL, नीचे मिलती है LED, और इसकी ब्रेक लाइट भी है LED, और ब्रेक लाइट थोड़ा नया डिज़ाइन का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये है इसका डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है। और ये है बाइक की इंजन, ये GPX की ब्रांडिंग की गई है, और फ्रंट में मिलता है अपसाइड डाउन फ्रॉक्स जैसा कि देख रहे हैं आप, और इसके साथ साथ मिलता है स्प्लिट सीट जैसा कि आर्बन 5 वर्जन 3 में है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ मिलेगा आपको सेल्फ किलिंग स्विच और हजार्ड स्विच का ऑप्शन, और इस साइड में मिलेगा आपको अपर डीपर इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच। और ये है दोस्तों इसका फ्रेम। तो कुल मिला के बाइक कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये है एक नई कंपनी जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जल्दी ही आने वाली है। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाए हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।